ऐसे नर्सिंग होम से बचें जो पैसा लूटने के बाद परोस रहे हैं मौत। एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसूता ने अपनी जान गंवाई। मामला यूपी के जनपद एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित माँ दुर्गा नर्सिंग होम का है, जहाँ खून की कमी होने के बावजूद भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। प्रसूता ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। प्रसूता की मौत के बाद नर्सिंग होम संचालक व स्टाफ मौके से फरार हो गए। नर्सिंग होम संचालिका सुमन यादव ने कैमरे को देखकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पहले भी लापरवाही के चलते इसी नर्सिंग होम में कई जच्चा बच्चों की मौत हो चुकी है। जनपद में जच्चा की मौत के आंकड़े प्राइवेट अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे नर्सिंग होमों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो उपचार के नाम पर मौत परोस रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे नर्सिंग होम संचालकों को पैसा लूटने के लालच में लोगों को मौत की नींद सुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ देखो उन परिजनों को जिनका सड़क पर गिर गिर के रो रो कर बुरा हाल है। वो ब्लड ना चढ़ने की वजह से हुई है, ब्लड नहीं था इसलिए मेरी भाभी एकदम गड़बड़ा गई। वैसे ऑपरेशन तो हो गया था, अब ब्रेस्ट जब उसके अंदर इतनी जान नहीं है तो बताओ कौन जा सकता है ऑपरेशन। उसके पास एकदम बढ़ने लगी जैसे एकदम तुरंत हुआ, फिर भी मैंने कहा था मेरी मैडम आप ब्लड लगा दीजिए, ब्लड लगाते मेरा मरीज को छोड़िए, मैं ब्लड लगाती हुई ले जाऊंगी। तो ये बोले ऐसे नहीं लगता है ब्लड, मुझे मना कर दिया गया था। अच्छा तो ये बताइए कि मतलब लापरवाही किन की रही है? लापरवाही डॉक्टर जो आए थे ऑपरेशन कर वो तो चले गए, लेकिन बाकी सारी स्टाफ की थी यहाँ की। तो इन लोगों ने तो मतलब ब्लड का इंतजाम नहीं किया? नहीं किया, जिस वजह से मौत हुई है। कौन कौन थे इसमें डॉक्टर या किन? डॉक्टर तो मैडम थी और उनका नाम क्या है योगेश भैया थे। योगेश भैया के जरिया से मैं आई थी। योगेश भैया को मैं जानती हूँ, उनकी जरिया से मैं आई थी, उन्होंने उनकी जरिया से मैंने काम कराया था। फिर जब मेरा मरीज सिर से होता मुझे योगेश भैया नहीं मिले। ये लोग कहाँ, ये जो ऑपरेशन करने आए थे कहाँ से आए थे? अलीगढ़ से आए थे। तो अलीगढ़ से ही आते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा भाई मेरा मरीज सीरियस है जल्दी बुलाइए, आ रहे हैं आधा घंटा वेट करो। क्या क्या ये हॉस्पिटल किस तरह का है, मतलब फर्जी नर्सिंग होम है या कैसा है? क्योंकि मुझे तो पूरा बकवास लगता है, किसी यात्री मुझे सुविधा नजर नहीं आ रही थी इसमें आज। अच्छा हाँ, तो ये फर्जी नर्सिंग होम है। हाँ। तो परिजनों ने आरोप लगाया है। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करते समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसमें भी हो जाता है डेथ हो जाती है, या प्री एक्लेम्प्सी या महिला को दौड़े पड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी ऑपरेशन करना होता है, तो ये सब चीज़ें। सर परिजनों का आरोप है कि खून की कमी उसको थी महिला को, उसके द्वारा भी उनका ऑपरेशन किया गया। जी जी। तो उसमें क्या होता है कि जो एक डॉक्टर जब कोई पेशेंट आता है या उसके ऑपरेशन होता है ना, तो रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड में सब चीज़ लिखी जाती है कि कितना इसका ब्लड है, कितना क्या है, ऑपरेशन है, बीपी कितना है, ऑपरेशन के लिए सर वो है कि नहीं, योग्य ऑपरेशन योग्य है कि नहीं, वो महिला है जो भी है ना। सर तो जांच की बात सर आपने कही है, तो कब तक ये जांच होगी या किन जाएगी? अभी आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है और निश्चित तौर पर मैं संज्ञान अभी लेकर बुलाते और कल तक मैं जाँच। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।